केंद्र एवं हिमाचल सरकार के संयुक्त सार्वजनिक उपकरण SJPNL के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेशन ने चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कुछ पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जबकि कोरोना महामारी के कारण देश के विभिन्न संस्थाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके SJVN ने ऐसी स्थिति के दौरान बिजली की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर अपनी क्षमता को स्थापित किया है। 1500 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना नाथपा झाकड़ी के प्रमुख महाप्रबंधक RC नेगी व महाप्रबंधक प्रवीण नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि चालू वर्ष के दौरान अगस्त माह में जल विद्युत परियोजना निर्माण के बाद एक माह में सबसे अधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया गया है। इसके तहत सितंबर माह में भी पावर प्लांट की उपलब्धता 109.122 रखने का भी रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए सालाना बिजली उत्पादन लक्ष्य को भी 3 माह पहले ही पूर्ण भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्दियों के दौरान सतलुज का जलस्तर कम होने से बांध स्थल पर दिन के समय पानी रोककर सुबह शाम ग्रिड की आवश्यकता अनुसार बिजली उत्पादन की जा रही है। वर्तमान में सतलुज नदी का जलस्तर घटकर 70 क्यूमेक्स रह गया है, जबकि गर्मियों में 1000 क्यूमेक्स के आसपास जलस्तर रहता है। उन्होंने बताया कि नाथपा झाकड़ी परियोजना की सभी 6 उत्पादन इकाइयों को चलाने के लिए 405 क्यूमेक्स पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पीक आवर्स को देखते हुए दिन में पानी को बांध में रोककर सुबह शाम बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। में अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए नए रिकॉर्ड्स कायम किए हुए हैं, जिसमें अगस्त माह में इसका दिन का सर्वाधिक जनरेशन 39.373 मिलियन यूनिट जनरेशन करके रिकॉर्ड कायम किया उसी पर। और हम 6 के 6 यूनिट को एक एक करके हम मेंटेनेंस में लेते हैं। इसमें एक एक पुर्जा, एक एक मशीन, एक एक पार्ट्स को एग्जामिन करते हैं। जहाँ जहाँ भी इसकी रिपेयर करने की ज़रूरत है उसको रिपेयर करके उसको लगाया जाता है। जहाँ पे इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है वहाँ पे इसको रिप्लेस करके नया पार्ट लगाया जाता है, और हर यूनिट को टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट पास होने के बाद फिर उसको दोबारा फिर ऑपरेशन में लाते हैं। तो एक एक करके हम 6 के 6 यूनिट मेंटेनेंस में लेते हैं, और अभी हमारा 5 के 5 यूनिट हम मेंटेनेंस में ले चुके हैं। अभी 1 यूनिट, 6ठा यूनिट हमारा अभी मेंटेनेंस में चल रहा है, और जल्दी ही वो भी मेंटेनेंस से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो है 6 के 6 यूनिट बिल्कुल रेडी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना तैयार है। और इसलिए सामाजिक दायित्व तो हम निभा रहे हैं पावर दे के, और इसके अलावा हम अलग से जो CSR की एक्टिविटीज जो है, जो जिसके प्रति मैनेजमेंट हमें समय समय पर फंड्स प्रोवाइड करती है, तो हम उसको भी हम यूज़ करते हैं और सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं।